देखो, गरम दूध तैयार, कॉफी तैयार, सब गर्मा गर्म कैमरा दूर। अरे संभाल के। हाँ ये हो गई इसको दो तीन हमारी। बार प्रोसेस। हाँ लेकिन इतना भी प्रोसेस मत करना कि तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाए। गाइस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम लोग मस्त हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग बनाने वाले हैं कॉफ़ी, ठीक है? वो कॉफ़ी जो कैफे में बनती है, घर में नहीं बनती है। और घर में बनाने के लिए लगता है उसको मोका पॉट, ठीक है? एक आता है ब्रूअर जो कि ब्रू करते हैं, लेकिन वो ब्लैक कॉफ़ी बनती है खाली। लेकिन ये मोका पॉट एस्प्रेसो जैसा ब्लैक कॉफ़ी बना के देता है, जिसके अंदर हम लोग दूध डाल के प्रॉपर कैपेचिनो और लाते जैसी कॉफ़ी बना सकते हैं। इसको फ़ोन आया, नहीं पॉज करूँगा मैं। क्यों पॉज करूँ? पॉज करो। फ़ोन आया है अम्मी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो चलो इसको बात करने देते हैं, जब तक मैं तुम लोगों को बताऊँ। देखो गाइस, ये मैंने मेरे दोस्त से लेकर आया था, बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी इसको हम लोग ने थोड़ा साफ वाफ करके अंदर से चमकाने की कोशिश की, लेकिन चमका नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है? और ये है कॉफ़ी, ये मीडियम रोस्ट है। वैसे हम लोग डार्क रोस्ट पीते थे कैफ़े में, तो मैं बोला चलो आज कॉफ़ी बनाते हैं। ये आई थी अपने को किधर से, तो गिफ्ट में तो रखी हुई थी, मतलब चलो ठीक है बना लेते। और ये मोका पॉट था ही हमारे पास, मतलब फिर बनना चाहिए इसको। कुछ नहीं, मैं तुम लोगों को ना बीन्स दिखाता हूँ पहले। देखो ये कॉफ़ी बीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? हाँ लो रख दो, पूरी नहीं दे रहा मैं तुमको खाने के लिए, एक दे रहा हूँ कॉफ़ी बीन्स। चबाओ, लो चबाओ, मालूम पड़ेगा तुमको चॉकलेट है क्या है। आया था ना मेरे पास कॉफ़ी बीन्स मांगने, ले और ले। निगलना मत इसको थूकने का, जैसा चिंगम कैसा खा के थूकता है, निगलने का नहीं रहता है ऐसा। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बोलते हैं बच्चे लोगों को कॉफ़ी देने का नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, लेकिन वो रोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रोस्ट है। तो ये तो ऑलरेडी मीडियम रोस्ट है, बिकॉज अपने को कॉफ़ी का नॉलेज है, तो अपने को एड़ा मत समझना। कैसा है कई का मस्त बे, तू सही में खा रहा छोबा छोबा के? अबे बीटर रहती है, निकल। वाह मेरे हीरो, मुझे तुझ पे नाज है। तू कॉफ़ी चबा लिया और तूने रिएक्शन भी एकदम मस्त वाला दिया, कैसे हो सकता है पापू? कैसा कर लेते हो ये सब? सच्ची में मस्त था? नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? ये देख कॉफ़ी बीन्स दिया इसको चबाने के लिए, चबाता है। मैं पूछा कैसा है तो बोलता मस्त। अरे कॉफ़ी लवर है वो। सो ये है कॉफ़ी, इसके अंदर दो आती है, अभी वो सब डिटेल करूँगा, तुम लोग के सर के ऊपर से जाएगा, तो उतना डिटेल नहीं करते, सीधा बनाते कैसा बनाते तुम लोगों को मालूम पड़ेगा, ठीक है? इसको ग्राइंड करना है ना अपने। हाँ 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 हाँ, नाउ योर टर्न। सबसे पहले ये वाइप कर लेते। हाँ पानी नहीं रहना चाहिए, पानी वानी रहेगा ना इसके अंदर तो तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाता है। ड्राई ग्राइंड एकदम बारीक, और ज़्यादा मत पीस, मतलब थोड़ा सा ही। हाँ फ्रेशली ग्राइंड कॉफ़ी ऐसा बोलते ना जैसा वाला। बस मस्त एकदम झकास। और ये कॉफी का ऐसा है ना कि जो टेम्परेचर में, जो जाने दे एटमॉस्फेयर में रखेंगे ना, वो पूरा ऑब्जर्व करेगी। मेरे को लगा अभी लंबा करेगी, तो मैं वही बोल रहा, मालूम है अपन दोनों को एक्सपीरियंस है इसका, तो ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं, लोग सर के ऊपर से जाएगा। हाँ। बोलेगा क्या पका रहे यार, मालूम है तो इतना बोलेगा। यही चीज है ना जिसके बारे में सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और बहुत सारा सीखे। ये अभी इसने एग्जॉस्ट फैन बनकर यूज किया हुआ, सुकून मिला ना थोड़ा। हाँ ये देखो इधर से भी टूट गया वायर, इधर से भी टूट गया वायर, चेंज करो ना इसका। एकदम बारीक है, और पीसना है। हाँ और पीसना है। मैं देखती हूँ हाथ लगा के, मेरे को तो और पीसने का, अभी भी दाने ही दिख रहे। हाँ हाँ और पीसना। क्या देख ले? देखाओ दिखाओ, खेलो खेलो। हाँ अब ठीक है, और हो सकता है। हाँ हो सकता है, ठीक है। खुशबू क्या मस्त आ रही है मालूम तुम लोग को, वीडियो में पता नहीं चलेगा तुम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ से फील कर रहे हैं। ये
वैसे तो इसके लिए हाँ हो गया हो गया हो गया। वैसे इसका ना रोस्टर अलग आता है, मतलब बोलते हैं ना मिक्सर, ग्राइंडर बोलते हैं हम लोग उसको। ये हम लोग ने घर वाले घरेलू नुस्खा अप्लाई करके कर रहे, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो एकदम इसका मशीन एकदम। भी अलग आता है हाँ प्रॉपर। इसका ग्राइंडर भी अलग आता है, पर वो जो कैपेचिनो का फ्लेवर है ना, दिमाग में है वो चीज। हम लोग ने इतने साल काम किए वहाँ पर और डेली एक से दो कॉफी होती है। हम लोग का पुराना है, काफी पुराना रखा हुआ है घर पे, तो जिसकी वजह से कलर। हाँ समझ जाओ कि मान लो कि ये पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी कीमती चीज इसके लिए, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है जल्दी, मिलता नहीं है जल्दी ढूंढने से भी। इसमें मैं डालूंगी पानी। हाँ इसमें जाएगा पहले पानी। ये समझ जाओ एक हिसाब से टूल है, टूल। तो देखो कितना पानी डालना है। डालना एक एस्प्रेसो के हिसाब से। हाँ ठीक है। अभी तुम लोग गंदा दिख रहा रहेगा, गंदा नहीं है, साफ है वो। दो धो के थक गए हम लोग, दो धो के थक गए। स्टेन आ गया उसमें। हाँ ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये है मेन, ये जालीदार। ठीक है अब इसमें डालेंगे हम लोग कॉफी। और तूने ना उस दिन चम्मच से दबाई थी, चम्मच से नहीं दबाने का, अपना जो क्या टेम्पर से कैसा प्रेशर डाल के दबाते थे अपन। हाँ। वो मैं करता हूँ, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। अभी मैं बोलूँ यार एस्प्रेसो जैसा क्यों नहीं बनता है तेरे से। इसको कैसा टेम्पर करेगा? मैं करेगा ना, मैं करेगा ना, क्यों टेंशन लेती है तू। जुगाड़ मेरे पास है ये, ठीक है। वैसे तो ये वैसा नहीं है, लेकिन काम हो जाएगा। ठीक है अभी इसका कैसा ट्रायल रहता मालूम क्या, ये गिरना नहीं मांगता है। तुम भूल गए थे इसमें पानी है। खराब हो गया है, अभी वापस अपने को लेना पड़ेगा, और मेन तो उसमें गिर गया। क्यों क्यों खराब हो गया है? वो सही है ना? हाँ थोड़ा सा पानी डालो, उसका पानी निकल गया। सो गया वो, उप्स मैं भूल गया था। मतलब हम लोग का जो कोटा फिल्टर रहता ना, हाँ उस हिसाब से टेक्निक आई कि हाँ भाई ऐसा घुमा के हम लोग करते हैं। हो जाता है। तो ये है सीन, ठीक है। अब टेक्निक क्या मालूम क्या, पानी गर्म होगा और इधर से निकल के पानी इसमें आएगा बॉईल होके, तो एक्सट्रैक्ट करेगा इसको पूरा कॉफी को ना, एक्सट्रैक्ट करके जो पानी ऊपर आएगा ना वो होगी ब्लैक कॉफी एस्प्रेसो। अभी इसको कुछ नहीं गर्म करना, सिंपल सा फंडा है गर्म करना। तो आगे का प्रोसेस ये है कि कॉफी ब्लैक कॉफी बनेगी, फिर उसके बाद हम लोग दूध गर्म करेंगे। और क्योंकि हमारे पास नोजल वाली एस्प्रेसो मशीन नहीं है जिससे हम फ्रॉथ बनाए, तो हम लोग ऐसा करके फिल्टर कॉफी जैसा बनाएंगे, लेकिन टेस्ट वही आएगा। हम लोग चाय वाले बनेंगे। हाँ फ्रॉथिंग ऐसा ही होगी अभी। चलो मैं दूध गर्म करके देखो। हो गया ये देखो, ऐसा बॉइल होके इसमें आता है, ऑलमोस्ट डन, खत्म हो चुका अंदर का पानी। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। तो हमारी ब्लैक कॉफी तैयार हो चुकी है वहाँ पर। और ये गरम गरम रहता तो गलती से भी गरम गरम में मत खोल देना, है ना? तो ये हमारी आ गई ब्लैक कॉफी। हाँ एस्प्रेसो टाइप। अगर आपको ब्लैक कॉफी की क्वांटिटी कम चाहिए तो पानी कम डालो, है ना? हाँ। पानी ज्यादा हो गया था? हाँ। बनी क्या नहीं फिर, मेल्ट हो गई, खराब हो गई? नहीं खराब नहीं हुई, कॉफी आई है। ये पतली हो ही गई है फिर भी। हाँ। अब इसके अंदर खुशबू। अब इसमें मैं डालूंगी शक्कर और उसके बाद गरम दूध चाय वाला। हाँ अभी शक्कर डालने से मीठी नहीं होती, खाली हल्का सा टेस्ट चेंज होता है इसका। ठीक है ये मत सोचना कि शक्कर डालेंगे तो मीठी हो जाएगी। इसका फ्लेवर ही ऐसा रहता है कि जबान पे है ना कड़वापन लगता है, पर निगलने के बाद में ना थोड़ा सा स्वीट अलग सा ही फ्लेवर देता है, फिनिश इसका स्वीट होता है। हाँ। दूसरी चीज ये कि ना जो नई नई के पहली पहली बार ब्लैक कॉफी ऑर्डर दे देता है वो शक्कर डालते जाता है, पांच शक्कर छह शक्कर, लेकिन मीठे च नहीं हो रही है, वो अलग परेशान। अभी मैं डाल रही हूँ बाप ले एक चम्मच और ये थोड़ी सी और। हाँ क्योंकि एक कप नहीं बन रहा, हम लोग दोनों के लिए बन रहा है। आ रही आ रही खुशबू आ रही है, ये देख अभी देख, दिख रहा तेरे को क्रीमा दिख रहा साइड में? हाँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है अब वो ऑयल इसके लिए नहीं बना ना क्योंकि मीडियम रोस्ट है, वैसा वाला नहीं, और ऊपर से इसमें देखना पॉलिशिंग भी वैसी नहीं है कॉफी में। और सेकंडली वो मशीन का प्रेशर अलग होता है।
और दूसरी चीज, ये बहुत टाइम हो गया कॉफी का। जो भी है खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। हाँ, एक खट्टी खुशबू आती है और एक परफेक्ट खुशबू आती है, तो परफेक्ट की खुशबू आ रही है इसमें। माइंड रिफ्रेशिंग खुशबू है ये। देखो गरम दूध तैयार, कॉफी तैयार, सब गर्मा गर्म। कैमरा दूर। संभाल के। ये हो गई हमारी। हाँ लेकिन इतना भी प्रोसेस मत करना कि तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाए। बच गए पक्का। कॉफी बच गए मतलब। एड़ी बस कर। नहीं रखो, मेरी ग्लास की पोरिंग अच्छी है, कप की पोरिंग बकवास है। हाँ मेरी कॉफी तैयार। तू कॉलगेट लगा सकती है हाथ पे। अब भी दिखाया था गर्मा गर्म। मेरी तो कॉफी गिर गई उधर पे, देखो यहाँ पर कॉफी तैयार है भाई। ये तो रोज का कानून है, बोले घर में है ना कुछ ना कुछ ऊपर उतर है। कुछ नहीं रोज होता है मेरे साथ। अभी तो बोल रहे थे कैसे है भाई, तुम नूर को ऐसा चटका लगा और तुम हंस रहे। नहीं ये मेरा ना रोज होता है, रोज छोटा मोटा। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ अभी तक है। देखो फोम, देखो तुम लोग, ये देखो ये फिल्टर कॉफी वाला फोम है। ये रहेगा। और फोम की खासियत क्या मालूम क्या, फोम का मतलब ये होता है कि तुम्हारी नीचे की कॉफी ना गर्म रहेगी लॉन्ग टाइम तक। अच्छी बनी है तो एस्प्रेसो मैंने दबाया था ना उसको, एस्प्रेसो अच्छा निकला तो कॉफी अच्छी बनेगी ना। डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आपको कम स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ज्यादा दूध डालो। ज्यादा लोग नहीं बना रहे घर पे, कॉफी बीन्स ही नहीं मिल रही हर जगह। नेस्कैफे बनाओ। हाँ नेस्कैफे, उनके पास मोका पॉट भी नहीं है। ये तुम लोगों, हम लोग ने वो वाली शेयर की। नेस्कैफे से भी अच्छी बनती है कॉफी। ये कॉफी से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, हमेशा जुड़ी रहेगी हमारी लव स्टोरी। कॉफी नहीं होती, ये कॉफी नहीं होती तो हम लोग मिलते नहीं। यही चीज थी जो मुझे खरीदनी थी और इसको बेचनी थी, जिसके वजह से हम लोग मिल गए। जो कि मेरे को कॉफी पसंद नहीं आई थी, मेरे को बंदी पसंद आई थी, और आज भी कॉफी भले से गिरे चटका लगे बंदी साथ में। और एक चीज बताओ, हम लोग दोनों को जितनी कॉफी पसंद है ना, उससे कई गुना ज्यादा यूसुफ को पसंद है। हाँ कोई बच्चा कड़वी चीज जबान को लगे तो नहीं पीता। हाँ। पर हमारा वाला ना मांग मांग के छीन के झगड़े करता हम लोग से, कॉफी दो तुम क्यों पी रहे। तो ये था हम लोगों का जुगाड़ू घरेलू तरीका, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हम लोग कैफे में 3 लाख की मशीन पे कॉफी बनाते थे, और उसमें हम लोग बहुत ही क्रिएटिव थे। मैंने अपने, अगर जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स जिनको पता होगा कि कैफेज में कैसी मशीन होती है, लाते तो आर्ट होते हैं, डिजाइन बनती है, दिल बनता है, लीफ बनता है, ऐसे बहुत वो सारे जरूर कनेक्ट होंगे डिजाइन से। हाँ तो हम लोग उसमें से थे। 10 साल मैंने भी निकाले है मेरे साथ। हाँ तो एज ए स्टाफ से बरिस्ता, फिर मैनेजर, फिर बहुत सारी चीजें होती गई लाइफ में। फिर उसके बाद लाइफ ने मोड़ ली और आज हम लोग यूट्यूब पे है काफी एंजॉय कर रहे हैं आज भी। वैसे हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना, तो ठंडी करती रही कैफेज कंपलसरी जाते हैं कॉफी पीने के लिए। समहाउ कॉफी हम लोग से जुड़ी हुई है। हम लोग जब कभी घूमने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एनिवर्सरी रहे, बर्थडे रहे, नॉर्मल टाइम रहे, हम लोग कॉफी पीना नहीं भूलते। कॉफी कंपलसरी, खाना नहीं खाते बाहर जल्दी, लेकिन कॉफी जरूर। देखो ये कैपेचिनो तो नहीं बनी है लेकिन लाते बनी है। अब तुम लोगों को फर्क मालूम होगा बहुत होगा, जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं, लाते थोड़ा पतला रहता है, कैपेचिनो थोड़ा फोम रहता है, फोमी रहता है, फोगी फोगी, आधा फोम आधा दूध। मेरे यूसुफ को कुछ वर्क हाँ, उसका यूट्यूब पे ऐड आ जाता ना जब वीडियो देखते देखते, या फिर कुछ ऐड दब जाता है गलती से, कोई पेज खुल जाता है तो उसको ऐसा चिढ़ आती है कि भाई व्हाट इज दिस। ऑटो गायब हो गई थी, सही में कोलगेट लगाती तो लगा ले। ठीक है ना पक्का। Are you okay? देखो मैं बोल रहा हूँ अभी भी इसको। क्या होता है मालूम, एक लड़की जब तक शादी नहीं होती है ना, तब तक जरा कटे तो है ना ऐसा लगता है पूरा घर सर पे मेरा कट गया, मेरा हाथ कट गया। लेकिन शादी के बाद है ना, जब हम किचन हैंडल करने लगते हैं, तो जब दूसरों के लिए खाना बनाना है, सामने वाले को अच्छा लगे, अभी कॉफी बनानी थी। तू बता अच्छे से, बता लंबा, मैं पी रहा हूं कॉफी। बचनी चाहिए मेरे लिए, बहुत दिन के बाद ऐसी कॉफी। अभी मतलब हम लोग क्यों ट्राई कर रहे थे मैं तुमको बताऊं। अब तुम बताओ। अभी मैं बताता हूँ, देखो इसको पीने दो। मेरे पास ऐसे पैकेट्स और रखे हुए,
और मैंने ना अभी बीच में दो तीन बार ना अम्मी को पिलाया कैपुचिनो कैफे से लेके, अम्मी को मजा आ गया। मतलब सही में इससे ना माहौल ऐसा हो जाता है ना कि तुम दिन भर के थके हुए हो ना, फटाक से रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे नई सुबह हुई अपनी, वापस शुरुआत हुई है, थकान खत्म हो जाती। तो अम्मी के साथ ऐसा हुआ तो मैंने अम्मी को बोला कि तुम टेंशन मत लो, अपन बाहर से ऐसा 200 रुपए की बनगा के पियेंगे तो वांदे हो जाएंगे, मैं घर में बना बना के दूंगा तुमको। तो हम लोग का ट्रायल इसलिए चल रहा था कि सही में वैसी बने, ताकि अम्मी ऐसा ना बोले कि घर में बना के बोल रहे कुछ और ही दे रहे मेरे को। तो उसके लिए हम लोग का ट्रायल चल रहा था। अब ये वाली कॉफी सही में अम्मी पियेंगे तो अम्मी बोलेंगे कि हाँ वैसी ही है और उनको पसंद आई। पहली बार मैंने बनाई थी लेकिन एकदम लाइट बन गई थी, समझ जाना वो प्रेशर दे, टेम्पिंग नहीं हो पाई। हाँ टेम्पिंग अच्छे से देगी, अच्छे से वो तेरा निकलेगा। उसमें भी शॉर्ट हुआ ना, मैं बोला ना थोड़ा पानी निकाल के, मैंने जब वापस डाल दिया पानी गिर गया तो मेरे से मेरा पानी ज्यादा हो गया। तो अगर वो भी चीज बराबर हो जाए तो एकदम परफेक्ट बनेगी, प्रॉपर मेजरमेंट रखनी पड़ेगी पानी की। हाँ, एक कप बना ले कि ये कप पानी और इतना दूध, समझ गई, एक 1% मतलब 1% नहीं बोलूंगा, 1/3 वाटर जिसका स्पेशल बनेगा, 2/3 मिल्क। ओके सर, आई चलो गाइस तुम लोग भी पक रहे थे ये वाला व्लॉग, ये मैनेजर बन गया तभी आ गया, अंदर से कैरेक्टर जाग गया। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक ले टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। पसंद आया तो सब्सक्राइब करे चैनल को, वीडियो को लाइक करे, हो सके तो शेयर करे, हो सके क्या शेयर करे, शेयर करो, कमेंट भी करो। बाय, हाफिज, बाय बाय।